दोस्तों कुछ दिनों पहले एक भाई का कमेंट आया था जिन्होंने पूछा था कि सर हम अपना सेविंग्स अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में ओपन करवाएं या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में ओपन करवाएं। तो दोस्तों बेसिकली आज का ये टॉपिक इसी के ऊपर है। दोस्तों इस वीडियो में हम पंजाब नेशनल बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। दोस्तों इस वीडियो में हम दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ में कंपेयर करके हम ये देखेंगे कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा बेटर सेविंग्स अकाउंट्स कौन सा है। इसके अलावा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों बैंकों में सबसे ज़्यादा आप लोगों का पैसा किस बैंक में सुरक्षित रहता है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो आप लोगों को पूरे YouTube पर देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ये दोनों ही बैंक सरकारी बैंक हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर हम पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि DICGC जो कि RBI की एक सब्सिडी वाली है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है ये कंपनी। दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में आप लोगों को DICGC मिल जाता है। यहाँ पर ये दोनों बैंकों में से कोई भी एक बैंक डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल सकता है। दोस्तों अब हम चलते हैं इन दोनों ही बैंकों के रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर कि अगर आप इन दोनों बैंकों में से किसी भी एक बैंक में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आप लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि इन दोनों ही बैंकों में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पर आप लोगों को 2.70% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ऑफर किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम 1 ईयर FD की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि पंजाब नेशनल बैंक में अगर आप 1 ईयर FD करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है। दोस्तों वहीं पर अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, यहाँ पर अगर आप 1 ईयर का FD करवाते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 1 ईयर FD के ऊपर 6.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफर करता है। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 7.25% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। अब दोस्तों हम चलते हैं इनके एवरेज मंथली बैलेंस की तरफ। तो दोस्तों इन दोनों ही बैंकों में रूरल में आप लोगों को 500 रुपये मेंटेन करना होता है और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। और वहीं पर अगर हम अर्बन ब्रांच की बात करें और मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो यहां पर आप लोगों को 2000 रुपीज़ मेंटेन करना होता है। दोस्तों यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस ये दोनों ही बैंकों के सेम है, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं दिखेगा। और दोस्तों अगर आप इस एवरेज मंथली बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होगा। अब दोस्तों अगर हम ये चार्जेस को डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये मान के चलो कि ये दोनों ही बैंकों के जो चार्जेस हैं एवरेज मंथली बैलेंस चार्जेस है बस 10-20 रुपये का ही फर्क है, बाकी दोनों का ही सेम ही है। दोस्तों इसके अलावा अगर हम चेकबुक की बात करें तो यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक फ्री में प्रोवाइड किया जाता है पर ईयर। वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों को 25 पेज का चेकबुक फ्री में प्रोवाइड किया जाता है पर ईयर। इसके अलावा दोस्तों अगर हम ATM कार्ड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक में जो भी डेबिट कार्ड आप लोगों का आता है तो आप लोगों को उसके ऊपर 150 रुपीज़ चार्जेस देना होता है। वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपये ओनली चार्जेस देना होता है। दोस्तों यहाँ पर डेबिट कार्ड में बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी कम चार्ज कर रहा है, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में आप लोगों को 150 रुपये देना पड़ेगा, वहीं पर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को 100 रुपये चार्जेस देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है यहाँ पर। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा कम चार्ज कर रहा है आप लोगों से, लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो हम कम कह सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपये निकाल सकते हैं और वन टाइम में आप 20,000 रुपये ही निकाल सकते हैं और POS यानी कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आप 60,000 रुपये का कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर POS ट्रांजेक्शन पंजाब नेशनल बैंक का ज़्यादा है दोस्तों, जबकि अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर आप 25,000 रुपये पर डे निकाल सकते हैं और 50,000 रुपये तक ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यानी कि POS ट्रांजेक्शन कर सकते हैं।
दोस्तों वहीं पर अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंकों के ओन एटीएम से अगर आप पैसे निकालते हैं इन दोनों ही बैंकों के डेबिट कार्ड से, तो ऐसे केसेस में आप लोगों को 5 फ्री ट्रांजेक्शन पर मंथ फ्री दिया जाता है। दोस्तों आप 5 बार पैसे निकाल सकते हैं पर मंथ। इसके अलावा दोस्तों अगर हम अदर बैंकों की बात करें, अगर आप इन दोनों ही बैंकों के एटीएम कार्ड को ले जा करके किसी दूसरे बैंक के एटीएम कार्ड से पैसे निकालते हो तो ऐसे केसेस में दोस्तों मेट्रो सिटीज में आप 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हैं, यानी कि 3 बार आप पैसे निकाल सकते हैं पर मंथ। वहीं पर अगर दूसरे सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पर भी आप 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं पर मंथ। और अगर आप इसके ऊपर करते हैं दोस्तों तो ऐसे केसेस में आप लोगों को चार्जेस देना होगा। अब दोस्तों अगर आप एटीएम कार्ड का जो ट्रांजेक्शन लिमिट मैंने बताया कि आप 5 बार ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और ऐसे केसेस में आप अगर ज़्यादा कर देते हैं एक मंथ में तो आप लोगों को फाइनेंशियल में 21 रुपीज़ देना होगा और नॉन फाइनेंशियल में 9 रुपीज़ देना होगा। दोस्तों ये मैं बात कर रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक की। वहीं पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 20 रुपीज़ देना होगा फाइनेंशियल में, और नॉन फाइनेंशियल में आप लोगों को 10 रुपये चार्जेस देना होगा। तो दोस्तों इन दोनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स में बस यही डिफरेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप लोग किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना पसंद करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।